इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण और मेरे चैनल इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी पर आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट टाइम जब मैंने ओलिविया का पैनकेक रिव्यू किया था तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने ओलिविया का ये मेकअप स्टिक भी लेके आई हूँ। एंड मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इसका भी रिव्यू शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ओलिविया मेकअप स्टिक, ये बहुत ही अच्छा है आपके स्किन पर जितने भी डार्क स्पॉट्स है एंड ऑल, उन्हें हाइड करने के लिए। एंड और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 120 रुपये का आता है। एंड वन मोर चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करना है कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है, बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा, चाहे ऑनलाइन हो या मार्केट में, कहीं भी आपको इजीली मिल जाएगा। एंड वन मोर चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके 11 शेड्स आते हैं, 11 शेड, जी हाँ। और जब मैं अपना शेड पसंद कर रही थी या अपना शेड मैच कर रही थी तो मुझे परफेक्टली मिल भी नहीं रहा था। एंड जिस शॉप में मैं गई थी उनके पास पूरे कलर के रेंज नहीं थे, पर फिर भी मैंने सोचा कि मुझे चाहिए, तो मैं उस समय अपना शेड ढूँढ रही थी। एंड फिर मुझे 04 नेचुरल रोज़ मिला है, तो ये है मेरा शेड। ये थोड़ा सा पिंकिश दिखता है मेरे स्किन पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए मैं लगा कर ही दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग देखेंगे, जो कि काफ़ी स्वीट है, कूल है और बहुत ही इजी टू यूज़ है। बस आपको इस तरह से रोल 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 करना है और फिर ये जो स्टिक है इसे अपने फेस पर यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तो सबसे पहले अपने स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए, और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। सो यहाँ पर मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है और ये है मेरा मेकअप स्टिक। बस आपको इस तरह से अपने स्किन के ऊपर इसे लगा लेना है। आप एज अ फाउंडेशन या फिर एज अ कंसीलर इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप इसे मल्टीपर्पज़ वे से यूज़ कर सकते हैं। एंड ये बहुत आसानी से मेरे स्किन पर ग्लाइड हो जा रहा है लाइक अ बटर। एंड अभी मैं इसे ब्लेंड करती हूँ एंड देन आई विल शो यू ओवरऑल रिजल्ट, ओके। मैंने इस मेकअप स्टिक को यूज़ कर लिया है और जो ओवरऑल रिज़ल्ट है आप मेरे फेस पर देख सकते हैं। मैंने इसे एज अ फाउंडेशन, एज अ कंसीलर यूज़ किया है, आपने देखा ही है। एंड बहुत नाइसली इसने मेरे डार्क स्पॉट्स को और डार्क सर्कल्स को हाइड किया है, तो ओवरऑल मुझे इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा है। एंड मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसे वेल मॉइस्चराइज कर लीजिए, तो ये आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा। अदरवाइज़ ये एक मेकअप स्टिक है, तो स्टिक वाली जो चीज़ें होती है ना, वो ड्राई स्किन पर थोड़ी सी पैची या गंदा इफेक्ट देती है, इसलिए वेल मॉइस्चराइज स्किन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, तो भी आपकी स्किन पर ये बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ओवरऑल जो भी इफेक्ट मेरे फेस पर आया है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एंड आई थिंक मुझे इसे सबको रिकमेंड भी करना चाहिए। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन की बात, चलिए मैं अपना ओवरऑल मेकअप कर लेती हूँ एंड देन मैं आपके साथ इसके पूरे व्यूज शेयर करती हूँ। सो यहाँ पर मेरा जो मेकअप है वो कंप्लीट हो गया, और इस तरह से मेरा मेकअप विदाउट फाउंडेशन, कंसीलर और विदाउट एनी कॉम्पैक्ट दिख रहा है। ओवरऑल जो रिज़ल्ट है मुझे अच्छा ही लगा है। अगर आपको एकदम हेवी बेस चाहिए यानी हेवी कवरेज चाहिए, तो उस चीज़ के लिए ये प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है। बट अगर आपको एक नॉर्मल सा कवरेज चाहिए या एवरीडे कवरेज चाहिए, तो आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज़ रियली गुड। एंड और एक अच्छी बात मैं आपको बता दूँ कि ये एक वाटरप्रूफ मेकअप है, तो वाटर या पसीने के साथ ये जो मेकअप है वो निकलेगा नहीं। तो ओवरऑल मुझे 120 रुपये का ये जो मेकअप स्टिक है बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ इस प्रोडक्ट को। एंड अगर आपकी ड्राई है तो वेल मॉइस्चराइज कर लीजिए, तो आप अपनी स्किन पर भी इसे अच्छे से लगा सकते हैं। एंड अगर आप ये बात करेंगे कि कितना देर तक ये मेरे स्किन पर रहता है, तो मैं आपको बता दूँ 4 से 5 घंटे तक अच्छे से रहता है।
है, उसके बाद ये थोड़ा सा फेड होने लगता है। द ओनली थिंग मुझे इसकी पसंद नहीं आ रही कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे आईज़ और ये स्किन के बीच का जो एक कनेक्शन है वो सही नहीं बैठ रहा है। मतलब वो फील हो रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर कवरेज की कमी है, अदरवाइज़ ये काफ़ी नाइसली सेट हो गया है। और मेरे आँखों के नीचे बहुत थोड़ा सा क्रीज़ में ये बैठा हुआ है, अदरवाइज़ ये क्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा नहीं बैठ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी पैची या केकी भी नहीं लग रहा है। सो ओवरऑल मुझे तो काफ़ी पसंद आया। अब आपकी बारी है, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो एक बार कर सकते हैं। अगर आप ख़रीदने की लिंक सोच रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो प्लीज़ लेट मी नो योर एक्सपीरियंस, ख़राब बुरा अच्छा जो भी, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड पहली बार देख रहे तो बस यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर देना है। एंड प्लीज लेट मी नो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो टिल देन, बाय।